श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? आप सभी को पता है कि 4 मई गुरुवार को वैशाख की पूर्णिमा का प्रारंभ होने वाला है और आपको एक लोटा जल और 11 काले तिल के दाने को लेकर आपको ये उपाय करना है। बड़ा ही आसान उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझाने की पूरी प्रयास इस वीडियो में मैं करूँगी। उपाय को जानने से पहले, अगर आप शिवजी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है, हर कोई ये उपाय कर सकता है। आपको पता है कि वैशाख का पवित्र महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और पूर्णिमा की तिथि भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को समर्पित होती है। पूर्णिमा के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक ये उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है एक लोटा जल और उसमें 2 चम्मच आपको दूध डाल देना है और उसके बाद आपके पास जो भी तिल है, काले तिल या सफ़ेद तिल, वो तिल आपको इस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले जो तिल है वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और सफ़ेद जो तिल होते हैं वो माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो आप काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों मिलाकर 11 डाल दें या फिर एक कौन से भी काले तिल या सफ़ेद तिल आप 11 डाल सकते हैं। ये जल का लोटा लेकर आप पीपल के वृक्ष के पास जाइए और ये जल आपको पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पण करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए आपको ये अर्पण कर देना है जल। और इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। और ध्यान रखिए, पूर्णिमा के दिन आपको पीपल के पेड़ को छूना नहीं है, केवल आपको ये जल अर्पित कर देना है और आपको पीपल की कम से कम 3 परिक्रमा करनी है ओम नमो भगवते का जाप करते हुए। और आप वही खड़े होके, पीपल जो है वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होता है और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी विपदा है, वो पवित्र वैशाख के पूर्णिमा के दिन वो सब दूर हो जाए। और साथ ही साथ आपके पितरों को प्रणाम करना है। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। बहुत ही सादे शब्दों से समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलो तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।